बिछड़ों ने ना थोड़ी देर पहले गंद किया था, यहीं पे हमने यहाँ भी सारा साफ कर दिया है माशाल्लाह। इसके ना सुबह ना यहाँ हल्की सी चोट लगी थी, मैं स्प्रे वगैरह सेट कबूतरों को जो है ना मैं बंद करके चला गया था, और तोतो को हमने सुबह से खोला ही नहीं है। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो गाइस सीन ये है, सुबह से मेरे एक रिपोर्ट में देता चलूँ, अभी अभी हमने जो है ना बेबी गर्ल को हमने खोल दिया ताकि ये दूध ना थोड़ा उतार ले। तब तक हमने कहा हम जो है ना पानी वगैरह भर लेते हैं, उन्हें पानी भरना है, उसके बाद इसके थन जो है हम धोएंगे पानी से, फिर दूध वगैरह निकालेंगे। बाकी सर्दी है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, धुआं खुद ही चेक कर सकते हैं, चेक करें धुआं धुआं आता हुआ आप चेक करें। बाकी पहले कर लेते हैं व्लॉग का स्टार्ट, जो जो चैनल पर नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दे। तो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। गाइस आज की मैं आपको ये अपडेट देते चलूँ, आज तो हमने कुछ खास नहीं किया, बाकी बच्चे वगैरह आप चेक कर सकते हैं, अभी खाने में मसरूफ़ है, दिखाते हैं आपको। बाकी कबूतर माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लगते हैं, मतलब इस खुले मैदान में ना सारे परिंदे घूम रहे हों, यहाँ पर भैंस वहाँ पे, मतलब जानवर पूरा मिनी जू। और ना आज हमने ना कुछ नया नहीं किया, एक चीज़ की है वो ये कि हमारा जो असील जोड़ा था उन्होंने ना अंडे देना स्टार्ट कर दिया, तो आज एक अंडा दिया था, तो उस अंडे को जो है ना मैंने कबूतरी के नीचे रख दिया। उसकी वजह ये थी कि अक्सर कबूतर जो है ना दो अंडे देते हैं, इस बार हमारी कबूतरी ने एक अंडा दिया था, जो कि मैं एक हफ्ते से देख रहा था एक ही अंडा था, तो मैंने कहा चलो एक ने है ना मुर्गी का अंडा रख देते हैं, देखते हैं ये एक्सेप्ट करती है या नहीं करती। तो हमने सुबह रख दिया था, तब ये बाहर दाना खा रही थी उन लोगों के साथ, तभी मैंने आगे देखा, तो अब जो है ना ये इसने अंडा एक्सेप्ट कर लिया है और ये ना अंडे के ऊपर बैठ गई है माशाल्लाह, छेड़ूंगा नहीं इसे। बाकी इसने अंडा जो है ना एक्सेप्ट कर लिया, मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ, इसने अंडा जो है एक्सेप्ट कर लिया है, ये देखें ये आराम से ये देखें, ये एक मुर्गी का अंडा है, एक इसका अपना अंडा है जो कि इसने एक्सेप्ट कर लिया है। खैर हम इसे छेड़ेंगे नहीं, इसे जो है बैठने दो, अंडों को थोड़ी बहुत हीट देने दो। बाकी बच्चे वगैरह मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, बच्चे माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छे प्यारे हो रहे हैं माशाल्लाह, ज़रूर बोलिएगा यार, जिसके भी माल देखें ना माशाल्लाह लाजमी बोला करें। बाकी मैं ब्राह्मण साहब को देखें माशाल्लाह, फुल VIP माशाल्लाह, चेक करें कमर चेक करें माशाल्लाह माशाल्लाह, फुल VIP हो रहे हैं। बाकी जो है ना अभी खाने में मशरूफ हैं, खाना ख़त्म कर चुके हैं, तो अब जो है ना इन्हें फटाफट बांध दें, बल्कि अभी दूध भी पिलाना है, जो कि हैं इसमें ये दूध पिएगा, वो नुकरा देख रहा है वो दूध पिएगा, और ये हमारे पटेले साहब दूध पियेंगे, और इसके बराबर में खड़ा हुआ ब्लैक एंड वाइट वो दूध पिएगा। फिर जिनको दूध नहीं पिलाना पहले उनको फटाफट बांध देना, फिर जिनको दूध पिलाना फिर उनको बांधेंगे। क्या हो गया है, क्या हो गया, क्या देख रहे हो हैं, गुड बॉय। बाकी अब जो है ना फटाफट से काम निपटाते हैं, बाकी अब सर्दी चेक करें, धुएं निकल रहे हैं इनके नाकों से, देखें सांस ले रहे हैं ना ऐसे धुएं निकल रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। बाकी अब जो है ना फटाफट से काम निपटाते हैं, अभी हमने सफाई भी नहीं की, यहाँ की सफाई भी करनी है, बहुत ही मतलब सर्दियों में ऐसा हाल हो जाता है ना, बहुत बुरा हाल हो जाता है, वो तो खैर करनी है तो करनी है। तो गाइस फाइनली हमने जो है ना पूरे फार्म की चकाचक सफाई कर दी है, ऊपर फर्श वगैरह की, अब ये पानी तो नहीं हटा सकते ना यार, अब हमारे पास वाइपर वगैरह तो नहीं है ना, हमारे पास लोहे का सामान है। बाकी यहाँ की सफाई, अंदर की सफाई, बाकी बछड़ों ने ना थोड़ी देर पहले गंद किया था, यहीं पे हमने यहाँ भी सारा साफ कर दिया है। तो आपको पता है टाइम क्या हो रहा है, टाइम सुन के ना हैरान हो जाओगे, मैं यहाँ सुबह तो मतलब 6 बजे से यहाँ लगा हूँ, और टाइम पता है क्या होने वाला है, ये जी टाइम हो रहा है एक, पूरे 1 बज रहे। तो सीखने को क्या मिला, सीखने को ये मिला कि आज हो गए बहुत ज़्यादा लेट, तो 1 बज रहे, 3 बजे हमें वैसे ही नीचे जाना होता है, तो जल्दी से नाश्ता करते हैं, नाश्ता हमारा आ चुका, नाश्ता करके उसके बाद मिलते हैं सीधा आपको नीचे जानवरों के पास। वेलकम हो गया गाइस, हम आ गए हैं अभी रिसेंटली फार्म पे। बाकी आज जो है ना आज की डेट में सूरज तो बिल्कुल भी नहीं निकला, क्योंकि हम मौसम देख सकते हैं, बच्चे वगैरह अभी जो है आराम से कि करके खड़े हो रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि अब हो गए हैं कि खाने का टाइम 4 बज गए हैं, हम लोग 1 बजे छोड़ के गए थे, अब 4 बज गए हैं, हम भी थोड़ी देर सो गए थे 1 घंटा। तो अभी फिलहाल मैं ये रिपोर्ट देते चलूँ, मुर्गियों के वो सबकी सब खुलियों में खड़ी हुई, वो कोई घास वगैरह बचता है ना वो, बाकी कुछ ये रे माशाल्लाह माशाल्लाह, और ये बच्चा माशाल्लाह माशाल्लाह। इसके ना सुबह ना यहाँ हल्की सी चोट लगी थी, मैंने ट्यूब वगैरह लगा दी थी, अब जो है ना मतलब स्प्रे वगैरह
सेट है। कबूतरों को जो है ना बंद करके चला गया, तो तोतों को हमने सुबह से खोला ही नहीं है। देखेंगे तोतों की क्या रिपोर्ट है। पानी वगैरह तो देंगे, दिन में एक बार तो देना ही चाहिए। बाकी रॉकी यहाँ पर बंदी रहती है अब, और जेफ वहाँ पर बंदी रहते हैं, वो गड़े हुए उसको कोने पे। हाँ हाँ तुम्हारा भी बता रहा हूँ। बाकी ये बकरी जो है ना अब लगने लग गया, चीज किसको लग रहा है ये प्रेग्नेंट है तो वो हमें बताए। बाकी हमें तो अभी फिलहाल कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो बाकी हाँ बेबी गर्ल ये माशाल्लाह ये अकेली इधर बैठी हुई। अब जो है ना इसको खुली भी बांधते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये थोड़ी बहुत ना खाने की आदी हो। तो अब जो है ना फटाफट बच्चों का टाइम हो गया, इनको ना खाना वगैरह देते हैं, उसके बाद आपको रिपोर्ट करते हैं। फाइनली हमने जो है ना जानवर वगैरह बांध दिए हैं सब खाने पीने में। कबूतर भी हमने खोल दिए हैं, चेक करें माशाल्लाह, इनको भी हमने खाना वाना दे दिया, जानवरों को दे दिया, बकरी को भी अभी देना बाकी है, घास अभी आया नहीं है। तो इसी के साथ अब आप कर रहे हैं ब्लॉग का एंड। जाने से पहले जो है ना हम देख लेते हैं हमने कबूतरी के नीचे मुर्गी का अंडा रखा है वो सलामत है या गया। नहीं भाई सलामत है, और माशाल्लाह कबूतरी ने आज एक और अंडा भी दे दिया है। माशाल्लाह सुबह में एक अंडा था, कबूतरी ने दो दे दिया और एक ये मुर्गी के बीच में रखा हुआ है। तो भाई इसी के साथ ना हमारा एक्सपेरिमेंट होता है कामयाब। तो अब कर रहे हैं हम ब्लॉग का एंड, काम बहुत है और टाइम कम है, वीडियो के चक्कर में टाइम सारा निकल जाएगा। तो इसी के साथ हम कर रहे हैं ब्लॉग का एंड। तो जिसको हमारे ब्लॉग पसंद आया हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में।